जनाब दे सामने सैयद आसिफ रजा शाह साहब हूँ मैं जीना दे मिंबर दी दावत देसा जनाब जाकिर अल बैत बैरुल मसाइब सैयद काजम रजा शाह साहब आप जलालपुर उन्हां तों बाद जाकिर अल बैत आकाश करबला सकलैन अब्बास बलोच साहब उन्हां तों बाद जाकिर अल बैत मुख्तार अंजुम आफ लैया साहब उन्हां तों बाद जाकिर अल बैत मुख्तार हुसैन सियाल साहब उन्हां तों बाद जाकिर अल बैत गुलाम अब्बास जाफरी दरिया खां उन्हां तों बाद जाकिर अल बैत शहबाज हैदर रबानी साहब उन्हां तों बाद जाकिर अल बैत शहनशाह मसैब असद अब्बास सेंदर साहब। हर शख्स ही रोता हुआ आया है जहां में, हर शख्स ही रोता हुआ आया है जहां में, तौहीद ने गिरिए को ही मैयार बनाया। हर शख्स ही रोता हुआ आया है जहां में, तौहीद ने गिरिए को ही मैयार बनाया। तुम अपनी खबासत में बने दुश्मन शबीर, खालिक ने तो सबको ही आजादार बनाया। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हिल अली अलअज़ीम इल्तमासे दुआ बिस्मिल्लाह الرحمن الرحيم إلهي فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستعد فيها يا الله يا الله يا الله مالك جتنے حاضر بیٹھن تو رائے قبول فرما अज़दारी साई मेहनत कबूल और मंजूर फरमा मालिक चौड़न दी इज्जत वास्ते इस जिक्र पाक जिस दा भी थोड़ा ज्यादा हिस्सा है मालिक अजरे कसीर अता फरमा। अल्लाह कुरान च फरमेंदे इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती अल्लाह दे जै मेरी इबादत नाल तकबर कीते सैयद खलूना जहन्नम अदाखरीन अल्लाह दे जलील करके जहन्नम में सटे सा। मासूम गुल पूछा गया सखी ओ इबादत क्या है और उस दे नाल तकबर क्या है तो हुज्जत खुदा फरमाया दुआ इबादत न मंगना तकबर है। बंदा तुहाडे वास्ते दुआ मंगावे जड़ा आपणे वास्ते आमीन नहीं आख सकदा वो बे मोमिन वास्ते के आख सी। ऐ जो बैठे हो या तो घर दसो अल्लाह दा घर मस्जिद और इमाम बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा घर इन्हां दो घरां तों हट के तीजा घर तुसा च दसो वा तू नहीं दुआ च मंगो नहीं ते अगर घर ही हैं तो वतामीन ताखो मालिक हाजरीन द टुराया कबूल फरमा। चौदह दी इज्जत वास्ते हाजरीन जो कोई बीमार है तो सेहत अता फरमा मकरूज है तो कर्ज अदा कर्ज अदा फरमा। चौदह दी इज्जत वास्ते जिन्ना को दिते नहीं जिंदगी अंदर आज फरमा नहीं दिते हयाती वाले वारिस अता फरमा। वाजिब नहीं हो जब है आमीन जरूर आखना मालिक औखा दौर हर शरीफ दी इज्जत नू महफूज फरमा। चौदह दी इज्जत वास्ते ही इतने हाथ तेरी बारगाह बुलंद ने ना हथां दी हर नेक दुआ कबूल फरमा मालिक वारिस दे जहूर ताजील फरमा इमाम दा जहूर होवे तो इस काबिल बना के जियारत तू मुशर्रफ हो सकी हके मुहम्मदिन वाले लतहार लाहुमा सल अला मुहम्मद वाले मुहम्मद पढ़ो सलवात साइयां दी इज्जत तादाद ही देखो ते दरूद दी आवाज ही देखो अमीरुल मोमिनीन फरमेंदन कोई दुआ बगैर दरूद दे अर्श नाल नहीं टकरांदी। कोशिश करो मत उची पढ़ सकदे हो
एक ऐसी सलवात पढ़ो किसे मासूम दा हरम पाक याद आ जाए बुलंद आवाज नाल। सलवात पढ़ो सारे बुलंद आवाज नाल। इजाजत है जी मैं जिक्र दा आगाज कर देवा, पिछले तुहाडी इजाजत है मालिक जिंदगियां दराज फरमावे। हर मिंबर ते आदत नहीं इबादत समझ के आदर आना, हो वेड़े हो वस्तियां हो घर आबाद हो जिथा मजलूम में करबला बादशाह दा जिक्र पाक होंदे। वाकिया करबला तो बाद बस जी मैं जिक्र दा आगाज कर दिते तेरे चौथे इमाम दे जिंदगी गुजारण दे त्रय तर्ज हैं। कितने बोलो यार, जिन्हां दी जुबान है वो तो बोलो। कितने तर्ज हैं केड़े इमाम दे? चौथे इमाम दे। चौथे इमाम दे जिंदगी गुजारण दे त्रै तर्ज हैं, त्रै तरीके हैं जिन्हां दे चल के तुहाडे इमाम जिंदगी गुजारी है। ये तुहाडा ओ इमाम है जिंदा लकब जैनुल आबिदीन है। तुहाडी तवज्जो है सही, जैनुल आबिदीन यानी इबादत करन वालां दी जीनत। इबादत आदम करे जीनत सज्जाद है, इबादत मुहम्मद मुस्तफा करे जीनत तेरा चौथा इमाम है। तुसे जितना चुप करे सो मैं उतना ज्यादा पढ़ सा। माशर दे राशे च जम्मे गफीर च मुनादी निदा दे के आक्सी ऐना ऐना जैनुल आबिदीन। सारे अंबिया औसिया औलिया इकट्ठे हो सन ते निदा सी। नबी बड़े हैरान थी सन भी साड़ी मौजूदगी कौन है इबादत करना लदी जीनत और जैनुल आबिदीन कौन है। इडू तेरा चौथा इमाम सामने आसी, तमाम अंबिया औलिया औसिया दी निगाह पोसी, हर दी जुबान तो हिको जुमला जा रही थी सी वाकई हक भी इसे दा बनदा हा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी बब्बे आले अपनी मियार तू ज्यादा बैठे सुन दे, मालिक तोरी जिंदगी दराज फरमावे। देखो जिक्र च आ वजना कोई वड्डी गल नहीं आउंदी, जड़ा आ गया चलो फस तक गया। हुण गर्मी है वो तो बंदा बैठा जो है इतना बह वजना ही बड़ी गल है, लेकिन सोने ते सुहाग है अगर बोल पोसो तो। अच्छा आप दसो सत्ती लोग बैठे हो, जबान चंगी है जड़ी होटल ते चुप ना करे ते मजले से उबरे ही नहीं। मालिक तोरी जिंदगी दराज फरमावे। यानी उसकी इल्लत क्या है, उसकी वजह क्या है भाई? अंबिया औसिया क्यों आखसन? जितने भी इबादत करने वाली हस्तियां ना किबला तवज्जो करना है, जितनिया भी हैं ने हस्तियां जिन्ना इबादत की थी है और करनी है, जितनी ज्यादा इबादत कर सो निशान बनसी पेशानी ते। तवज्जो, ये मेहराब मोमिन दी निशानी है, ए पेशानी ते मेहराब बन सी। लेकिन तुहाडे चौथे इमाम दे हर आजाए सजदे ते निशान आउंदे हैं, नहीं समझे? हर आजाए सजदे ते और साल च दो मरतबा कटवेंदे हैं। ए दो हथेलियां पेशानी जानू और दो पैरां दे अंगूठे साल च दो मरतबा। अच्छा
बिस्मिल्लाह मैं आदा जी आदा मेरिया परदेदार मावां ते बहना चुप करके बासो जिक्र पा के जिक्र सुनो चुप करके बहो क्या गुजारिश कर रहे हैं हर आजाए सजदे ते निशान दूसरा लकब है तेरे इस इमाम दा सज्जाद क्या लकब है सज्जाद किसे मासूम को पूछा सखी साजिद दे मैनी भी सजदा करण वाला सज्जाद दे मैनी भी सजदा करण वाला जवानी नसीब हुई मासूम को पूछा गया भी सखी ए दसो तुहाडे दादे दा लकब साजिद क्यों नहीं सज्जाद क्यों नहीं तुहाडी तवज्जो कद आले जी वो साजिद क्यों नहीं जबकि साजिद दे मैनी भी सजदा करण वाला सज्जाद दे मैनी भी सजदा करण वाला साजिद क्यों नहीं सज्जाद क्यों है खुदा दी कसम होवे शिया ते वत नौकर नाल बोल ही ना सके तो सैयद जितने ती वैसी जिगर ते निश्तर घिन के वैसी भी आजादार है जो पढ़े हम ते गल दी कदर नहीं हुई हुज्जत खुदा फरमाया साजिद उन आदन जेड़ा सजदे वास्ते पाक जमीन तलाश करे सज्जाद उकु आदन जिन्हें सजदे दी इंतजार हर जमीन को होवे नारे वास्ते कोई सड्डू वस्ती अजीम विच जणा जड़ा ते मरावे मेहरबान क्या बात है सज्जाद दे मैनी जिन्हें सजदे दी इंतजार हर जमीन को है और याद रखना सजदे दा ए मियार होंदा हा तुसा जितना चुप करे सो अगली रांधिए तर रह वंजे मैं खड़ा हाँ वत ना कहे भी सही हो तो खड़ा जो है ते वत मगरब ती लगा गई आई सजदे दा बजुर्गों ए मियार होंदा आई पुत्र वन पिए खूह दे अंदर तुहाडा पंजवां इमाम इमाम दा सर सजदे च इमाम दा हरम पंजवें इमाम दी पाक अम्मा कोल आखड़न हुज्जत खुदा को फरमाया मुहम्मद बाकिर खूह विच गिर गए पुत्र जी हस्ती यही इमाम ने सर नहीं चाया कुछ देर तो बाद वत बीबी ने आख्या इमाम दा सर सजदे च तुहाडी तवज्जो है सही बीबी ने वत आख्या इमाम ने सर सजदे तो नहीं चाया लोगां दा रश बन गया खूह दे कोल ते कोई ऐसा बंदा हा कोई ना जड़ा विच वंजे आते तुहाडे पंजवें इमाम को बाहर च कढ़िया इंतजार ही चौथे इमाम दी लहजे तो बाद इमाम ने सर सजदे तो चाया ते बीबी ने गुजारिश की थी भी काफ़ी देर हो गई है साडा बेटा खूह विच गिर गया इमाम खरामा क्या बात है खरामा टुरदे टुरदे ए इंज दरवाज़ा खुलिया देख सा बंदा पढ़दा अली उन वली उल्ला होवे ते नौकर नाल न बोले ए इंज दरवाज़ा खुलिया ते सामने जम्मे गफीर खूह दे को लगा होया जेड़े आपड़े हैं तो वो मुतमैन हो गए भी आ गए ते जेड़े दुश्मन हैं उन्हें एक दूजे को आखना शुरू कर दिता भी होना है जना पुत्र मर गया उसी इमाम टुरदे टुरदे खूह दे कोल आखड़ोते ते इन हाथ दा इशारा करके आदन पानी मैं सज्जाद दी अमानत वापस कर सुभान अल्लाह ऐसा नारा मार न जब तक अली दे नारे दी सदा जाए हाथ उचे हैदरी मेहरबानी मेरी अमानत वापस कर तुहाडी जिंदगी होवे इमाम दे लफ्ज मुके पानी अपनी सत्ता तो बुलंद होना शुरू हो गया जेडे लुत्फ गिंदे बैठे हो जेडे लुत्फ बैठे गिंदे इमाम दे लफ्ज मुके पानी अपनी सत्ता तो उत्ता होवन लग गया सिर्फ पानी नहीं पानी दे उत्ते पंजवें इमाम तशरीफ फरमाएं
खुदा दी कसम है वस्ती बब्बी आले उठ के कयामत तक सैयद गुदाद देंदे रामन तुहाडी दाद थोड़ी है। इमाम दी इज्जत जुमला करोड़ हा दर्जे बुलंद है। इमाम जदा सामने आए न सत्ता दे उत्ते बिल्कुल चौथे इमाम ने अपने बेटे को यानी तुहाडे पंजवे इमाम को चाया हां न लाया हां न लाके में पीछा गर्द जो टुरन एक दुश्मन अगा वधे ते बाजू हला के आदे है मौला ए दसो भई तुसा एडे मुतमैन आके पानी को हुक्म दिता वे पुत्र को घेन के हुण वेंदे पयो मुतमैन क्यों हावे हुज्जत खुदा फरमेंदन जदा मैं ओदी अमानत सजदे च खयानत नहीं कीती ओ किवें कर सकदा हा हैदरी मेहरबानी तुहाडी जिंदगी होगी तुहाडी जिंदगी होगी जदा मैं मखलूक होके उस खालिक दे सजदे च खयानत नहीं कीती ओ खालिक होके मेरी अमानत किवें अमानत च खयानत कर सकदा यानी तू अपनी जिंदगी वक्फ कर अल्लाह दे अहकामात ते अमल कर चौदह दी सीरत ते अमल तू कर वत जिंदगी जाने ते ओ जाने। ए बंदे मुख दे परेशान देखो अज छोटे होंदे आसे स्कूल वेंदे आसे तो समझ को नहीं सुनदे आसे एक शेर समझ नहीं लगती इं लगता है भी आम जी है वत कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसा इस फील्ड आ गए तो अज एहसास होंदा तो अज इस शेर दे वजन का पता लगता है भी इस शेर च ताकत कितनी है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। देखो ना म्यार है ना म्यार है मेरे को दसेंदे पैन काठगढ़ एक बस्ती एहले सुन्नत बाइया दी है उन्हें आके नासिर शाह साहब को गिन गए उन्हें मन के अलम नसब कीते पानी ने राह तब्दील च कीते इन है ना म्यार है ना एक बंदा होवे बे म्यारा। मैं हर मिंबर ते आदरा ना चौदह को मन नहीं तवत चौदह दी भी मन अजकल तो हालात अच्छा कितने परसेंट तुहाडे जो आजादार मातमी बैठन तो शिया बैठे हो ना सारे तुहानू यकीन है इमाम वक्त की मौजूदगी का यकीन है सारा को है जी आओ बिस्मिल्लाह जी सलवाद पढ़ो सारे मासूम इमाम दी मौजूदगी दा यकीन है। मैं समेत मैं सैयदां बावजू खड़ोता कब्रे हुसैन ते मेरा हाथ है मैं समेत 90% मोमना को इमाम दी मौजूदगी दा यकीन है भी कोई ना तुस चुप कर वंजो मैं ठीक आ के वजह शाके तवजो ये थोड़ी जी शक भी कोई नहीं ना बुजुर्गों यकीन है ना शाके फिर असा केड़ी मंजिल ते फायज है। देखो शक दियां मंजिलन यकीन दियां भी मंजिलन थक गए हो तो मैं छोड़ देवा मेरे भाई आ गए। शक दी पहली मंजिल रैब वाते शक वाते जन वाते जन इत्मीनान इस तो अगा बुजुर्गों इल्म दिया मंजिला शुरू होनी इल्म उल यकीन ऐन उल यकीन हक उल यकीन असा शक दी आखरी मंजिल जन इत्मीनान ते फायज है तो वो जो जन इत्मीनान तो फायज है असा यकीन दी पहली मंजिल ते ही कोई नहीं। इल्म उल यकीन क्या है अगर कहें बंदे में को आख है भी ये सामने छाते इधर तो कोई धराक मारे तो उनकी हड्डी त्रुट वैसी अगर मैं मन गिदे तो ये इल्म उल यकीन है थोड़ी तवज्जो है बुजुर्गों अगर मैं खुद कहें को धराक मरेंदा दिठे तो हड्डी त्रुटती दिठिए
यह एनुल यकीन, अगर खुद मैं जंप मार रहा है मेरी हड्डी त्रुट गई है, यह हकुल यकीन। चलो जड़े चुप कर गए हो, एक बई मिसाल चले वहाँ, अज तई जवानी हो भी मेकू सप ने नांग ने नहीं पटिया, लेकिन मैं उदे तो बुजुर्गों बचदा। उसकी वजह मैं सुनी वदा भी सप च जार आँदी है, अगर बंदे को पटे तो बंदे की डैथ हो सकती है। यानी सप की जार ते मैन इलमुल यकीन है। हुण देख सा केड़ा ज़ादार है जिहड़ा नौकर की गल दे नाल अपना सफर कर रहे है। अगर इमाम की मौजूदगी का यकीन ते को इलम की पहली मंजिल ते इलमुल यकीन ते भी होंदा तो सप की जहर तो बचदा है, गुनाह की जहर तो क्यों ना बचदा। क्या बात, सप की जहर तो बचदा है, गुनाह भी तासीर रखद असर है, नेक अमाल नाल जिंदगी आसान होती है, बुरे अमाल नाल बंदा फस वेंद है। यानी कोशिश कर अपनी जिंदगी सीरत मुहम्मद अहले बैत मुहम्मद ते गुजार। जिथू गल मैं शुरू की थी यही, चौथे इमाम दी जिंदगी दे कितने तर्ज हैं, एक के बुजुर्गों को याद है, बाकी सारे हाथ बन के मुतमैन बैठे। अगे मेरे को भाई सक लै ना कहे ना को कुछ ना आखी सुनते ही मैं मालिक तेरी जिंदगी दराज फरमा। त्रै तर्ज हैं। पहला तरीका पिछले तुहारी तवज्जो है, पहला तर्ज इमाम अलैहि सलातो व सलाम तुहाडियां साडियां दुआई कयामत तक आवण वाले मोमिनीन दियां दुआई हाजात उस जात वाजिब तक दुआ दे जरिए पहुँचेंदे हैं। हुण तो खुश थी पो, चौथे इमाम तुहाडियां हाजात दुआई उस जात वाजिब तक पहुँचेंदे हैं जिसका नतीजा सहीफा कामिला इमाम दियां 52 दुआई। ये पहला तर्ज। दूजा तर्ज इमाम कनीजा और गुलाम खरीद करते हैं। क्यों खरीद करते हैं? उसकी वजह यह है भी उस दौर हदीस से बड़ी पाबंदी है, तवज्जो है, हदीस से बड़ी पाबंदी है। इमाम अहले सुन्नत इमाम निसाई को एक हदीस बयान करने ते बुजुर्गों एडे कोड़े मारे गए जो उन्होंने डैथ हो गई। इमाम कनीजा ते गुलाम मुलगिने ना वत उन्हों को मुहदस बने दे हैं, पढ़े लिखे हजरात भाई मुहदस बने दे हैं। जदा पता लग वे ना भाई ये मेरा गुलाम मुहदस बन गए, ये मेरी कनीज मुहदसा बन गई है, बत इमाम को आज़ाद कर छोड़े में तवज्जो करनी है साहबान। हूँ इतना एक सवाल बनता है भी इमाम घिंदे तान जरो दिनार दे के पैसे अदा करके कीमत अदा करके तो गिंदे हैं, जब आज़ाद करेंदे हैं तो काश गिंदे हैं या कोई ना, इमाम कीमत गिंदे हैं। बुजुर्गों पैसा की सूरत ना मेरिया पर्देदार मावं ते भैणा चुप कर बो, जिक्र सुना ना आईया हो तो वह चुप करके जिक्र सुनो, पता लग वे आ भी ये मुहदस बन गए उनके कोल कीमत केड़ी गिनने हैं। मौलाओं को आखे ना उस गुलाम को मेरे को पानी पिला, पानी का जाम भर के गिना वे आ इमाम पानी पीवन तो बाद को आखे ना तू आजाद है। गुलाम बड़ा परेशान थी वे आ कदम ते हथ ला के आख्या मौला जरो दिनार दे के खरीद कीता वे ते एक जाम दे बदले आज़ादी, सैयद दियाँ हंजू लुड़ पोवे ना ते आवाज़ आवे आए तो एक जाम है ना तो को केड़ा पता मैं एक घुट दी खातिर छे माँ दे को तड़फदा रिठ। वाह भाई वाह सुबहान अल्लाह, मैं पहला लफ्ज़ मसाहब दा आख है हर अख तैयार हो गई है मैं नौ करा जी। ये तो जाम है सैयद फरमावे ना मैं एक घुट दी खातिर छे माँ दे को तड़फदा रिठ। ए दूसरा तर्ज। तीसरा तर्ज
ਇਹ ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਈ 61 ਹਿਜਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 95 ਹਿਜਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੀਨ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਵਿਛਾਵਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਸੈਯਦ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਵਿਛਾਵਿਆ। ਮੇਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਸਿਆ ਲਿਆਓ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਮਸਲਿਆ ਥਈ, ਵਿਛੇਨ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਲਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਣੀ ਜੋ ਆਵਿਆ ਉਹਦੇ ਗਲ ਚ ਬਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਦਾ ਮੇਕੋ ਸ਼ਾਮ ਖਾ ਗਈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਮੇਕੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾ ਗੈ, ਮੇਕੋ ਨਿਰਵਾਰ ਖਾ ਗੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ, ਵਿਛੇਨ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਲਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਣੀ ਜੋ ਆਵਿਆ ਉਹਦੇ ਗਲ ਚ ਬਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਦਾ ਮੇਕੋ ਸ਼ਾਮ ਖਾ ਗਈ। ਆਇਓ ਗੋਲੀ ਸ਼ਾਮ। ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਵਣੀ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਾਣੀ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਹੈ ਮੌਲਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥਾ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸਿਆਦਾ ਦੇ ਕਰਬਲਾ, ਮੌਲਾ ਡੁੱਬ ਕਿੱਥਾ ਐਨ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ। ਅਕਬਰ ਜੀਆਂ ਫਿਰਾ ਕਿੱਥਾ ਮਾਰਾ ਵੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਕਰਬਲਾ, ਅਤੇ ਡੁੱਖ ਸਿਆਦਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੌਕਰ ਕੇ ਆਖੇ, ਸਾਇਲ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਬਾਬਾ ਕਰਬਲਾ ਵੀਰਾ ਚਾਚੇ ਬਤਰੀਏ ਕਰਬਲਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੈਯਦ ਰੁਨੈ ਅਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਮੇਕੂ ਭੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਅੱਜ ਚਹਿਲਮ ਦੀ ਮਜਲੇ ਸਹੀ, ਨਾ ਰੋਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ ਦਵਤ ਕਹਿ ਕੋ ਰੋਸੇ। ਮੌਲਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਆਏ, ਰਸ਼ ਬਹੁ ਵਧੇ, ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਅਬਾ ਕੁਛਕੀ ਆਈਏ, ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਵਾਏ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਸੈਯਦ, ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਤਾਂ ਸੈਯਦ ਮਾਫ਼ੀ ਖੜਾ ਮੰਗਦੇ। ਅਚਾਨਕ ਅਬਾ ਕੁਛਕੀ ਆਈਏ ਸੈਯਦ, ਅਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਡਿੱਠਾ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਤਾ ਹੀ ਉਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦੀ ਸਜਾਦ, ਡੂਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗ, ਜਾਂ ਮੰਗ ਦੁਆ ਮੈਂ ਮਰ ਵੰਜਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਜੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਰ ਕੁਆਕ, ਮੇਕੂ ਕੰਢ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰੇ। ਸਜਾਦ ਉੱਥਾ ਮਰੇਂਦਾ ਜਿੱਥਾ ਬਾਬਾ ਬੋਸੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ, ਰਸ਼ ਵਧੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਕੂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੁਮਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਵੈਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਸਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਸਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੇ ਸਜਾਦ ਕੋ ਖੂਨ ਰੁਆਏ। ਸਾਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖੂਨ ਰੁਨੈ, ਗੈਰਤੁੱਲਾ ਖੂਨ ਰੁਨੈ, ਰਸ਼ ਵਧਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਰਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਝੋਲੀ ਚ ਆ ਕੇ ਆਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਖਣੀ ਹੈ, ਰੋ ਨਾ ਰੋ ਆਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਚਹਿਲਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਸ਼ਾਲਾ ਕੈਂ ਵੇਣ ਦਾ ਵੀਰਾ ਕਤਲ ਨਾ ਥੀ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਤਲ ਥੀ ਵੰਜੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਦੁਆ ਇਹ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੂੰ ਭੇਣ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੀਰਾ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਹੀ ਪੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਹੀ ਪੋਵੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਭੇਣ ਏਡੀ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰਾ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਤੂੰ ਕਾਸ਼ੇ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ। ਇਹ ਤ੍ਰੀਏ ਹਾਦਸੇ ਬੱਬਿਆ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਨਾਲ ਥੈਨ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੌ ਕੁੱਠਨ, ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ 36 ਸ਼ਾਹ ਰੁਲਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਗਈ ਏ।
तू रो न रो तेरा अपना नसीब है, सिर्फ टुरी नहीं बाजार शाम च भिरा दे कातिल तू मंगना ही पैगी अस। तेरिया कूकां कबूल होवन सैयद दी दुआ है, मैं दुआ दे सकदा सैयदा मुसाफिरां, मंगना पैगी अस के मंगस। बाजार शाम च रश वधे ना, शिमर को सदै मेरी सैन, शिमर लैया ते मेरे वडे नुकसान कीतन, मैं सह गई मंगदी इो को जा, मंगदी इो को जा, मेकू एक लहजा ए बाजार अबूर करें तई वक्त दे चा, केड़ा भी बिया दिए बत्तियां बुझा, मैं बाजार अबूर कर। वाह भाई वाह, चेलम दी मजले से तैयारी कर रहा, रल के मुकान देवी बत्तियां बुझा चा, मैं नौ करा लखवारी आखा, याद है नहीं अली दीदी, मैं नहीं कर सकता, बत्तियां बुझावणियां होवे ना ते को बाजार च गिनना हुआ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जदा इस नहीं मनी ना होण मेरी सैन डिठे उत्ता, मेरे देखो यार उत्ता डिठे भिरा दी सांग दो, सांग दो देख क्या दिए भेण मरवंजी होण उच्चा पढ़ कुरान, इमाम दे मुंह चू निकले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम हसिबता अन्ना असहाब अलकाफ वर्रकीम कानु मिन आयातना अजबा। मौला दी कसम हर कै सुने जिवे छत ते बैठी हुई हिंदा दी कनीज सुने ना, इंज कै नहीं सुना, इमाम दे लफ्ज मुकन सर दो दे क्या दिए, मेरे को अल्लाह दी इज्जत दी कसम है तू असहाब कहफ तू ही वड़ी निशानी है मेरे अल्लाह दी, शशदर होइए परेशान होइए वापस दौड़िए, वापस महल्ले चाहिए, हिंदा हिंदा जी आदि पिछले दिन बैठे से कट्टे तय मेरे को आख है मेरे पीरन मदीने दे बस दिन बहु सोना कुरान पढ़ दिन, मौला दी कसम ए तो दें है तू रात ही रोसे ए तो मजले से मुसले ते अंजावी नौकर दे हक च दुआ कर छोड़े, हिंदा के ना नसावी पीर दा, हिंदा दिए बिस्मिल्ला हिर रहमान रहीम हुसैन इब्ने अली, मुंह ते पिट के आदिए पढ़दा उसी हुसैन सोना सर ते धड़ दे नाल, हिंदा जिंदा मैं सुनिया धड़ रब जाने किथे सर चुंजने दे ते इंज कुरान दा पढ़दा है जमाना दौड़ दौड़ के, अल्लामान अल्लामान कूका कबूलो नी सैयद दुआई, मैं नौकरा लखवारी आखा वाकी हिंदा ए मैं सच पया दिया, हिंदा दिए कित्थे हैं बाजार च, सिर्फ सर नहीं नाल कह दिए, हिंदा मैं पानी रोंदे बड़े रिठन पहला कह दिए जड़ा खून अंदर रोंदे, हिंदा परदेदार बीबियन कित्थू दिन कोई पता नहीं, हिंदा दिए वन हाके में शाम को आख इन्ना को मैं मिलने, हाके में वक्त को इतला मिली, ए जुमला ता हे जड़ा सा को मिट्टियां ते बह के रुआ गिए, असा कोई कमलियां झलियां रोंदे ता हां यजीद जिया बेगैरत अपनी कनीज को आदे मलका शाम को आख आज न मिले आज रश बोए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह आज रश बहुए, मातम कबूल होवी सैयद दी दुआई, मलका शाम आदिए नहीं मैं मिलना जरूर है उन वंजाक, मेरी तो ताकत ही नहीं, ए ओ बंदे जड़े ओ बजुर्ग लिख गए जिन्ह दियाँ कबरां ते अज भी दुआ मंगो तो रद्द नहीं आती, ओ पढ़ते होंगे इजाजत मिल गई ते बानी दे की ते लगियां कनाता हरीर दियां मिट्टी ते बहते रोवे ना भैणा शबीर दियां,
सुभान अल्लाह बानी दे कीते लगियां कनाता हरीर दियां तरतीब केड़ी है। बस मैं तरतीब सुनावा दे अपने भाइयों को मिंबर देवा तरतीब कीवें पहले पहले बैठी असगर दी मां उंदे नाल अली दी बे औलाद थी वत लाहौर अली सैन वत मलक हबश थोड़ी जितना जा खाली ते वत शाम अली सैन बैठी उन्ना बीबियां दे बिल्कुल सामने ना तेरा चौथा इमाम ते उंदे नाल तेरा पंजवा इमाम बैठे मर वंजिया सैयद ते जुमला न पड़िया ए बैठियन सरदार जादियां ते इड्डू टुरिए मलका शाम हालत केड़ी दो कनीज आगे दो पिछे एक कनीज दे सर ते कुर्सी बे जित्था मलका शाम आक्सी कुर्सी रख दे सै खुदा दी कसम है मेरा तो जिस्म खड़ा कंबद है तेरा अपना मियार है तेरी अपनी मर्जी है तू जीवें सुन हिंदा गुजरीए पंजवें इमाम दे सामने इमाम बर्दाश्त नहीं कर सका अपने बाबे दा बाजू हला के आद है बाबा मुंदरी सुनाती आवी सैयद आदे सिर्फ मुंदरी नहीं इंदे नाल मेरे बाबे गरीब दी उंगला सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। वो मैं दारैन कुर्बान कर देवा जनाब फिजा और बीबी जैनब आलिया दे दरमियान जेड़ी झा जवानी नसीब होवी ते बचड़ा दे शहरों मनी झा खाली पई है नौकर कुर्सी रखिए हिंदा कुर्सी ते बैठिए जाफर तैयार दिनों मिट्टी ते बैठिए शर्मो हया दी मलका रो रो के बैठिया दी मैडाला बेनियाज जो हैं अजे टाइम आवना जड़ी झाड़ू देंदी आई कुर्सी ते बैठी है जान देवारे सिया धिया मिट्टी ते बैठी है ओए सिला क्या लियो यकीन कराए पांच मिनट तहिंदा बैठी रही है मेरी सैन बुजुर्गों सर नहीं छाया पांच मिनट दे बाद हिंदा मेरी सैन दा बाजू हलाया हकल मार के आ दिए बीबी सर जा मैं ते को मिलन आईया मेरी सैन सर जाया है के कई कई सीढ़ा जा रही है हकल मार के आ दिए हिंदा तो अमीर है असा असीर है बीबी आदिए तो मलका जा मसा तुहाडे कैदी वाह भाई वाह वाह भाई वाह भाई वाह सुभान अल्लाह हिंदा दिए बीबी ज्यादा कुछ ना पुछण आई पुछण तो इो कुछ आईया रब दिला तरजा के लग जाई जेड़ा चौंजने देते कुराल बीबी आदि हिंदा मेरे जख्म न लोगा सांगे मैं बाजार उंदी सांगे मैं निर्वार उंदी सांगे मैं शाम ओ छोटी औलाद आले गल्ला करेंदे अचानक हिंदा दी निगाह पई है असगर दी भेड़ दे कन्ना लखोन चोले ते पिया ढांदा है पैराली रात चोले नाल बैठी बुझे दी है हकल मार के आ दिए बीबी ए बच्ची डाढ़ी जख्मी है एक आख हिस्सा लबावे कद दी टेक लगवावे बीबी आ दिए हिंदा मैंने जख्म ना लुखा इंदे कांड आवाज आ सारे राम दे छुड़ा वाला लगवा भाई वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मौला दी कसम मैं इतना ही छोड़ू है
लेकिन गिरिया दसेंद किसे मासूम दिया मद आखिर जुमला सैयद बादशाह में मिंबर पिया छुड़ेंदा मौला दी कसम हिंदा दिए बीबी कितों पया दो बीबी आदिए कर बला जेड़ा हुसैन का चेलम सुनाया बैठे उन्दे वास्ते सैयद सबब बना रही है हकल मार के आदिए बीबी घर तेरा कर बला आवाज आंदी है ना हिंदा मैं आंदी कर बला जुबैया हिंदा दी आवाज आंदी है बीबी वतन केड़े बीबी आदिए बिस्मिल्ला हे रहमान रहीम मदीना मुहम्मदा अल्लाह गवाए जले मुहम्मद नाम है नौकर नु आदिए कुर्सी जा मैं कह देन दे नाल मिट्टी ते बानिया ए भी मदीने दिए मेरी सहन भी मदीने दिए मत रसिया लहवेला ओ मातमियो मेरी सहन दे बराबर मिट्टी ते बैठी है अकल मार के आदिए बीबी मदीना बहुवला शार महल्ला खेड़ाइया आन दी अमड़िया दिए महल्ला बनु हाशिम है कर छोड़ो अदादारो महल्ला बनवा शेमी ढेर सारे सिमत गेड़ी भी हकल मार के आदने हिंदा नबी दे रोजे दी चा जन्ना ढल दिए मेरे वेड़े आंदी है हकल मार के आदिए बीबी तू गल्ला करे नी है मेरा हाल हदा वेंदा है रब दे ना तेरा साज हुआ सिमत भी वत जान दी आई मेरा पीरे ना शबीरे बीबी आदिए डाठा जान दिया शबीर दा सजा दे बीबी आदिए डाठा जान दिया सजा दबा गेरे बीबी आदिए कुचा ते खिड़े दे रहीया ओए सिला के आले और रो के आदिए बीबी रब दलाई मेरा आखरी सवाल है माहौल बाजार आले जितना ऐसा पूछा रब जवाब देवे बीबी आदिए पूछ हिलदा हिलदा मेरी सैन दे कन्नल मोलाया हकल मार गया दिए रब दे ना दे रजा ज़ैनब नो जान दिए बीबी ज़ैनब आदिए फिजा मेरे वाल हटा आवाज आंदे सुजान मैं ज़ैनब रो के आदिए इक्के गल दा जवाब तले जाओ के नगिया है ओ जेंदिया उंगलियां नप के हावी ठोरना